Y'all ready? भाई लोग बात करते हैं पाकिस्तान के उन ठरकी चाचाओं के बारे में जो अपनी उम्र की सीमा लांग कर बुढ़ापे में भी जवानी का लुफ्त उठा रहे हैं। ये वो ठरकी चाचा हैं जो भावनाओं में बहकर कभी लड़कियों की चुम्मियां लेते नजर आते हैं तो कभी दीवार में ही अपना मुंह मार देते हैं। ये क्या है? मतलब भाई ठरक की सीमा देख रहे हो बंदे की? वो तो अच्छा है, लड़की सिर्फ पोस्टर में है तो हवस कंट्रोल नहीं हो रही। हकीकत में होती तो ना जाने क्या हाल करता। भाई ये वो ठरकी चाचा हैं जो दिन रात लड़कियों की खोज में लगे रहते हैं। अगर लड़की मिल गई तो ठरकपन चालू। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और लड़की ना मिली तो उसकी फोटो से ही काम चला लेते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मतलब भाई बंदा स्पेशली पोस्टर पर लगी लड़कियों के चुम्मी लेने आया था, चुम्मी ली और वापस चल दिया। मतलब भाई जहां नॉर्मली लोग रात में आलस की वजह से मेन गेट का ताला चेक करने तक नहीं जाना चाहते, वहां ये ठरकी चाचा पोस्टर पर छपी लड़कियों की खोज में रात रात भर घूमते फिरते हैं। और भाई ये तो देखो, पोस्टर में मौजूद तीनों लड़कियों के बराबर चुम्मियां ली हैं। जैसे बाकी बची तो लड़कियों की चुम्मियां नहीं लेगा तो दोनों नाराज हो जाएंगी। और इस भाई ने तो सारी हद ही पार कर दी, तो चुम्मी लेने के चक्कर में ट्रक पर ही छिपकली की तरह चिपक गया। मारो मुझे मारो। भाई इतनी बुरी तरह तो इमरान हाशमी भी जीती जागती लड़की के चुम्मी नहीं लेता जितनी बुरी तरह से ये ठरकी बंदा पोस्टर पर छपी लड़की से लगा हुआ है। भाई इन पाकिस्तानी बंदों में ठरक इस कदर भरी हुई है कि बाहर छोड़ो जब ये घर में भी हो तब भी ये चैन से नहीं बैठते, बल्कि गले से लगा ले। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई आमतौर पर लोगों पर जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, लेकिन इन ठरकी चाचाओं पर बुढ़ापे के बाद जवानी आ रही है। चरित्रहीन लोग, लड़की देखी नहीं कि लाल टपकाना शुरू तुम लोगों का। मतलब भाई बंदे का एक पैर कवर में है और एक पैर केले के छिलके पर, फिर भी बंदे का ठरक लेवल कम नहीं हो रहा। भाई ये पाकिस्तानी बंदे ठरक और हवस में इस कदर लीन हो चुके हैं कि इनके सामने हवस मिटाने के नाम पर कोई भी आ जाए, कोई भी, ये किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो लड़की हो या बकरी, चाहे वो सेम जेंडर हो या ट्रांसजेंडर। और भाई शादी विवाह या किसी अन्य कार्यक्रमों में तो इनका ठरक लेवल और भी ज्यादा विकराल रूप ले लेता है। अब इस ठरकी चाचा को ही देख लो। मतलब भाई इतना तो ये बंदी भी नहीं हिला रही, इससे कहीं ज्यादा तो ये ठरकी हिला रहा है, मानो दोनों के बीच छाती हिलाने का कंपटीशन चल रहा हो। भाई वो तो अच्छा है, छाती के नाम पर बंदे के बस दो पिंपल ही हैं। अगर ढंग की छाती होती तो इतनी जोर से हिलाता कि टूटकर छाती स्टेज पर जाकर गिरती और स्टेज के सामने बैठी पब्लिक कह रही होती, चीर दे और चीर के एक टुकड़ा फेंक सूरत में और एक टुकड़ा फेंक अहमदाबाद में। भाई पाकिस्तान में जहां मुजरा चल रहा हो वहां ऐसे ठरकियों की भरमार रहती है। ये ठरकी ताड़ में रहते हैं कि कहीं कोई लड़की दिखे और ये अपना ठरकपन दिखाना शुरू करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और कुछ पाकिस्तानी बंदों ने तो ठरकपन को ही अपना धंधा बना लिया है, ये समाज सेवा के नाम पर मेवा खाने में लगे हुए हैं। भाई ये किस तरह का ट्रीटमेंट है, मुझे तो हैरानी होती है कि इसके खिलाफ कोई पाकिस्तानी बंदा आवाज भी नहीं उठाता, उल्टा परिवार वाले खुद अपनी बहन बेटियों को इन जैसे ठरकियों के पास ले जाते हैं और जो इन जैसे ठरकियों के पास नहीं जा पाते वो इनको अपने पास ही बुला लेते हैं। साला हरामी, और तू बेशरम बापू, लेकिन आप ही ने तो कहा था। अरे कपसिया देने को कहा तो पप्पी दोगी। भाई लोग पाकिस्तान में दुल्हन की पहली चुम्मी दूल्हा नहीं, इन जैसे ठरकी लेते हैं। और आजकल तो पाकिस्तान में ठरकी लोगों ने सोशल मीडिया को भी अपने ठरकपन का अड्डा बना लिया है। जो ठरकी चाचा रियल लाइफ में ठरकपन नहीं दिखा पाते वो सोशल मीडिया का सहारा ले लेते हैं। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी।
मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। भाई सबसे पहले बर्बाद होने के लिए आबाद होना जरूरी है, और ये तो पहले से ही बर्बाद लग रहा है। और भाई इसका मुंह तो देखो, दांत टॉयलेट सीट और मुंह गटर बना रखा है। भाई इसके दांतों से ज्यादा साफ तो इंडियन ट्रेन की टॉयलेट सीट मिल जाएंगी। चुप कर बे कुत्ते। भाई इन ठरकी चाचाओं पर ठरक इस कदर हावी हो चुकी है कि ये अपने घर वालों की भी एक नहीं सुनते, बल्कि उल्टा उनसे ये कहते हुए पाए जाते हैं। जब मिले बढ़िया तो कौन देखेगा बुढ़िया। और भाई जिन ठरकी चाचाओं को सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता, वो गूगल पर ये बोलते पाए जाते हैं, जल्दी से मुझे सुंदर सुशील और टिकाऊ लड़की दिखाओ। और जब ये गूगल इमेज को भी देख देख कर बोर हो जाते हैं, फिर ये निकल पड़ते हैं खुद की ही इमेज कैप्चर करने। अब इस ठरकी चाचा को ही देख लो, हर फोटो में एक अलग ही बंदी। भाई इस बंदे का सेल्फी कैमरा अकेले में नहीं खुलता, इसका कैमरा तो तब खुलता है जब इसके आजू बाजू या बैकग्राउंड में कोई लड़की हो। भाई इतनी ठरक लाते कहाँ से हैं ये रंडियों के ढाबे पे। भाई चलो ये तो फिर भी पाकिस्तान के आम नागरिक हैं। अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तान के जाने माने शख्स के ऊपर। ये बंदा है पाकिस्तान का भूतपूर्व प्रधानमंत्री सैयद यूसुफ रजा गिलानी। अब इस बंदे का ठरक लेवल भी देख लो। देखो देखो, नंबर एक का कबीना, नियत में खोट, साफ नजर आता है हवस से भरी हुई। अब भाई आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जब पाकिस्तान के जाने माने लोगों के ये हाल हैं, तो आम लोगों में किस कदर ठरक भरी हुई होगी। पाकिस्तान की अवाम की क्या बात करते हो मुर्शद, यहाँ के तो जिन भी ठरकी हैं सिर्फ औरतों पे ही आते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। भाई वो ठरकी चाचा हैं जो घर गृहस्थी चलाने की उम्र में अपनी पिचकारी चलाने के सपने देख रहे हैं, सत्संग प्रवचन देखने की उम्र में बिना कपड़ों के लड़की देखने के सपने देख रहे हैं, नाती पोतों को गोद में उठाने की उम्र में लड़की को गोद में उठाने के सपने देख रहे हैं। अरे भाई ये वो ठरकी चाचा हैं जो चारपाई पर लेटने की उम्र में लड़की पर लेटने के सपने देख रहे हैं। ओ नो 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 नो, सही खेल गए बैंच। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या हो रहा है इधर, क्या मुजरा हो रहा है इधर, साफ साफ लगा।